बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम. इन टुडेज़ क्लास वी विल ट्रांसलेट द फर्स्ट टू पैराग्राफ्स ऑफ लेसन वन इन आवर इंग्लिश टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास सिक्स एंड वी विल स्टडी द न्यू वर्ड्स एंड वी विल ऑल्सो कॉपी एंड ट्राई टू यूज़ द सेंटेंस स्ट्रक्चर्स विच हैव बीन यूज्ड इन दीज टू पैराग्राफ्स. सो today in today's class we have three objectives. First, translation. Second, new words means vocabulary. And the third one is the use of sentence structures which have already been used in these two paragraphs. आज की हमारी क्लास का जो ऑब्जेक्टिव है वो है पहला ट्रांसलेशन, दूसरा है न्यू वर्ड्स, तीसरा है सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो लेसन में जो इन पैराग्राफ्स में पहले से यूज़ हुए उनको हम कॉपी करेंगे और अपनी मर्जी के सेंटेंस में इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस करेंगे. तो शुरू करते हैं ट्रांसलेशन से. लेसन वन, ए हाईलैंड गर्ल गोज टू ग्रीन स्कूल. एक सबक पहला, एक पहाड़ी इलाके वाली लड़की जाती है ग्रीन स्कूल. द सन शाइनिंग थ्रू द विंडोज. सूरज ने चमकते हुए खिड़कियों से अवेकेंड साइमा, जगाया साइमा को. ए हाईलैंड गर्ल एक पहाड़ी इलाके वाली लड़की. ए बिजी डे फॉलोड, एक मसरूफ दिन गुजरा. फिल्ड विथ बोथ प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट हैपनिंग्स, भरा हुआ दोनों खुशगवार और नाखुशगवार वाकयात से. साइमा रीच्ड द स्कूल. साइमा स्कूल पहुंची. एंड मेट हर टीचर्स, और मिली उनके असाध्या से. इसकी मीनिंग यहां पर हम अपने भी निकाल सकते हैं. साइमा स्कूल पहुंची और मिली अपने टीचर्स से. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले शी मेट विद मिसेस सदफ इकबाल. वो मिली मिसेस सदफ इकबाल से. हर इंग्लिश टीचर, उनकी इंग्लिश की उस्ताद. शी वोर अ टीचिंग गाउन. वो पहनती थी एक टीचिंग गाउन. ओवर आई एम सॉरी, आई हैव रिटन ओवर टू टाइम्स ओवर हियर, सो आई एम एरेजिंग इट. ओवर हर शलवार कमीज, उनकी शलवार कमीज के ऊपर. एंड कवर्ड हर, और ढांपती थी हर हेड, अपना सर. विथ अ दुपट्टा, एक दुपट्टे से. शी स्टूप्ड डाउन, वो नीचे झुकी. टू लुक एट साइमा, देखने के लिए साइमा को. एंड मर्मर्ड, और बड़बड़ाते हुए कहा. आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, मैं हूँ बहुत सख्त. स्पेशली खास तौर पर अबाउट ग्रामर के बारे में. योर फ्रेंड सादिया, आपकी दोस्त सादिया. लर्न्ड वेल, पढ़ी अच्छे तरीके से. वेरी वेल इंडीड, असल में बहुत अच्छे तरीके से. तो ये थे हमारे पहले दो पैराग्राफ हमारे सिक्स क्लास की इंग्लिश बुक के लेसन वन के, ए हाईलैंड गर्ल गोज टू ग्रीन स्कूल के. तो इसमें अब हम स्टडी करेंगे जो न्यू वर्ड्स हैं हमारे लिए, उनको हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, देखेंगे कौन कौन से न्यू वर्ड्स हैं. फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमारे पास थ्रू है, अवेकेंड है, फॉलोड है, सदफ इकबाल, इंग्लिश टीचर. शी वोर को हम देखेंगे, टीचिंग गाउन. ओवर हर शलवार कमीज एंड कवर्ड हर हेड विद अ दुपट्टा. शी स्टूप्ड डाउन, उसके बाद स्टूप डाउन को हम देखेंगे. शी मर्मर्ड, मर्मर को हम स्टडी करेंगे. वेरी स्ट्रिक्ट, स्पेशली अबाउट ग्रामर. योर फ्रेंड सादिया लर्न्ड वेरी वेल इंडीड, इंडीड को हम स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थ्रू से. थ्रू हेयर यूज्ड इज एज प्रेपोजिशन. थ्रू का मतलब है से. उर्दू में हम सिंपली इसकी मीनिंग ये निकालते हैं, लेकिन किसी सुरंग वगैरह से, किसी अंदर वाली जगह से. जैसे कि इसका हम सेंटेंस बना सकते हैं कि द ट्रेन
passes through the tunnel. वो सुरंग से ट्रेन पास करती है. इसका अगला सेंटेंस आप कह सकते हैं कि द रेडिएशंस पास थ्रू अवर बॉडीज. जो तापकारी शुआएं रेडिएशंस वो हमारी बॉडी से अंदर से गुजरती हैं. अगला सेंटेंस, अगला वर्ड है अवेकिंड. अवेकिंड का मतलब है वेक, यानी कि जगाना. और यहां पर जैसे ये यूज हुआ है विंडोज सन, जो सूरज की चमक थी उसने जगाया था उसको. फॉर एग्जांपल आप जुमले में इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि माय मदर अवेकेंड मी सिंपली. नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉलोड. फॉलोड इज द पास्ट ऑफ फॉलो. सो वी हैव गॉट द वर्ड फॉलो. फॉलो मीन्स पीछे चलना, पीछे चलना, नक्शे कदम पर चलना. डिपेंड्स अपॉन द यूज ऑफ द वर्ड्स, हाउ यू इन वॉट कॉन्टेक्स्ट यू आर यूजिंग द वर्ड्स. ये वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज करते हैं. यहाँ पर इसकी मीनिंग निकलेगी गुजरा. फॉलोड की मीनिंग निकलेगी गुजरा. पीछे चलना यानी एक दिन पीछे चला, यानी कि गुजर गया. सही है. और इसका इस्तेमाल यहाँ पर इस जुमले में हुआ है ए बिजी डे फॉलोड. मैं वही जुमला लिखता हूँ, ए बिजी डे फॉलोड. फिल्ड विथ प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट हैपनिंग्स. प्लेजेंट यू ऑलरेडी नो दिस, खुशगवार. अनप्लेजेंट नाखुशगवार. एंड अगला हमारा वर्ड है वोर. वोर इज द पास्ट टेंस ऑफ वियर. वोर इज द पास्ट ऑफ वेयर. वेयर मीन्स पहनना. ओके, इसका हम सेंटेंस नहीं लिखते. अगले हम सेंटेंस, अगले जुमले पर जाते हैं. स्टूप्ड डाउन. स्टूप्ड डाउन का मतलब है बेंड डाउन, बो डाउन, नीचे झुकना. आप इसको रिप्लेस कर सकते हो बेंड डाउन से या बो डाउन से. स्टूप्ड डाउन, ही स्टूप्ड डाउन टू अवॉइड द सोल्जर. स्टूप्ड डाउन आप इसको इस तरह यूज कर सकते हो द सोल्जर. सोल्जर स्टूप्ड डाउन टू अवॉइड द बुलेट्स. गोलियों से बचने के लिए सिपाही नीचे झुका. आप किसी भी उसको कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं. सही है. तो इसके बाद हमारे पास वर्ड है मर्मर्ड. मैं ये मिटाऊंगा इसको. मिटाने के बाद मर्मर का मतलब है टू से समथिंग वेरी स्लोली, whether by complaining or whether not letting others to know what you want to say. You are intended just to tell that words to the person whom you are talking to. तो मर्मर का मतलब है बड़बड़ाते हुए कुछ कहना, आहिस्ता से कुछ बोलना, अपने आप में, शिकायत में, या किसी करीब खड़े शख्स के साथ बात करते हुए अगर आप किसी से वो चाहते हैं कि दूसरा न सुने. तो अगली, ये हमारे दो ऑब्जेक्टिव आज के लेसन में पूरे हुए हैं. और पहला था ट्रांसलेशन, दूसरा था न्यू वर्ड्स, और तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है स्ट्रक्चर्स का यूज़. तो टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो मैं सिर्फ आपको दो स्ट्रक्चर्स का यूज़ बताऊंगा. आप उसको कॉपी करके अपनी बोलने वाली इंग्लिश में और लिखने वाली इंग्लिश में आप यूज़ कर सकते हैं. हम पहले सेंटेंस का, पहले स्ट्रक्चर का मिसाल ले लेते हैं. यहाँ से द सन शाइनिंग थ्रू द विंडोज अवेकेंड साइमा. ओके, यहाँ तक हम इसको स्टॉप करते हैं. तो ये एक स्ट्रक्चर है
आप किस तरह इसको कॉपी करके अपनी मर्जी के सेंटेंस में जो आपके जहन में ख्याल आए या सिचुएशन के मुताबिक आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। देखें, द सन शाइनिंग थ्रू द विंडोज़, फ़र्ज करें बच्चे खेल रहे हैं और खेलते खेलते स्टडी रूम में आ गए और स्टडी रूम में सादिया स्टडी कर रही है, तो आप क्या बोलोगे? चिल्ड्रन। इसी तरह इसको कॉमा दोगे, प्लेइंग इन द स्टडी रूम डिस्टर्ब सादिया। ठीक है, इस तरीके से आप इन स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके पहले आप ट्रांसलेशन के साथ पढ़ें, समझें, फिर उनमें से स्ट्रक्चर्स को निकाल कर उसको कॉपी करें, उसको याद करें, अपने जब कंपोज करें तो अपने सेंटेंसेस में उनको यूज़ करें, जब बोलें तब सेंटेंसेस में ट्राई करें यूज़ करने की। इस तरीके से आप इंशाल्लाह ताला अपनी इंग्लिश को काफ़ी फिनिश पॉलिश कर सकते हैं। और एक और स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊँगा, उसके बाद आपसे मैं इजाज़त लूँगा, Because I have got very short time over here. A busy day followed, filled with both pleasant and unpleasant. Saima reached the school and met her teachers. तो इस structures को हम ले लेते हैं। For example, आप किसी relative की शादी में, शादी हाल में गए और वहाँ आप कुछ लोगों से मिले, तो आप किसी को बता रहे हो या आप एक paragraph लिख रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप किस तरह लिखोगे? आप इसी जुमले को कॉपी करोगे, उसमें फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है उसमें। एक और चीज़ भी है, साइमा रीच द स्कूल, मैं जो चीज़ आपको मेन चीज़ बताना चाहता हूँ, इसमें दो चीज़ों को जब हम कॉपी करते हैं स्ट्रक्चर्स को, दो चीज़ों को हमें नज़र में रखना है। सबसे पहले कि हमें ओमिशन करना है, यानी कि कुछ वर्ड्स, कुछ उसमें चीज़ें ओमिट करनी, नज़रअंदाज करनी, कुछ उसमें वर्ड्स को हमने ऐड करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के मुताबिक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर साइमा लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे वी रीच द, यहाँ पर लिखा है स्कूल, तो आप स्कूल को सिचुएशन के मुताबिक अपना वर्ड डाल दोगे, वी रीच द मैरिज हॉल। उसके बाद एंड मेट हर टीचर्स, तो आप बोलोगे एंड मैरिज हॉल एंड मेट हर टीचर्स को निकाल के आप अपना सिचुएशन के मुताबिक जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा जो भी वहाँ लगा देंगे, मेट हर एंड वी एंड मेट विथ अवर अदर।